कि पहले तो वो इस बात को एकदम साफ करे, जैसे मेयर में उनके एक नहीं तीन तीन कैंडिडेट है, एक घोषित कैंडिडेट है और दो अघोषित कैंडिडेट है, उसी तरीके से डिप्टी मेयर में इनके 8 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बल्कि 8 कैंडिडेट हैं, और घोषित कैंडिडेट कोई और है लेकिन पर्दे के पीछे से ये 8ों को छोड़ के 9वां को वो मदद कर रहे हैं। आप पता लगा लीजिए मुजफ्फरपुर की जनता कि इनके ज्यादातर कार्यकर्ता जो है ये 8ों कैंडिडेट के अलावा 9वां कैंडिडेट के लिए अंदर से काम कर रहे हैं, और जनता ये जान चुकी है कि ये जो है इनका जो ये खेल है, ये लगातार जो लोगों को बेवकूफ हमेशा से बनाते रहे, सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को ठगते रहे। एक इलाका में जाते हैं तो कुछ कहते हैं, दूसरे इलाके में जाते हैं तो कुछ कहते हैं। मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, ऐसे में प्रत्याशी और बड़े बड़े नेता खुलकर सामने आ चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ एक अटैकिंग मूड में है। ऐसे में एक ऐसे प्रत्याशी हैं, उनके बड़े भाई से मिलाते हैं, शाहिद इकबाल मुन्ना जी, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता भी हैं शहर के। शाहिद इकबाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अंतिम चुनाव का अंतिम पड़ाव आ चुका है, ऐसे में शाहिद इकबाल मुन्ना क्या सोचते हैं? मैं मुजफ्फरपुर की महान जनता से इस अंतिम घड़ी में यही अपील करूंगा कि अभी जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव से ना तो बिहार की सरकार बननी है ना भारत की सरकार बननी है, यहाँ पे आम जनता की सरकार बननी है। जो सरकार बनेगी वो आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही काम करेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता को अगले 5 साल के लिए मुजफ्फरपुर शहर के भविष्य का फैसला लेना है। अब उसमें उनको देखना है कि कौन सा कैंडिडेट, जो 15 कैंडिडेट है उसमें कौन सा कैंडिडेट सक्षम है जो मुजफ्फरपुर शहर से गंदगी से निजात दिला सकता है, जल जमाव से मुक्ति दिला सकता है। और शहर की जो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में हो गई है वो हो गई है जाम की समस्या। तो जो मेरा छोटा भाई शहनवाज इकबाल है, वो शहनवाज इकबाल के अंदर जो है काम करने का लगन है, और पिछले 15-20 सालों से वो लगातार राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में लगातार लोगों की सेवा करता आ रहा है। इस कोरोना काल में भी वो घरों के अंदर नहीं था बल्कि सड़कों पर रह करके और लोगों की सेवा में लगातार लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता को ये देखना है कि कौन सा उम्मीदवार हमारी कसौटी पर खरा उतरेगा। ऐसे स्थिति में मैं जनता से अपील करूंगा कि इस चुनाव में जात पात, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, सभी के चीजों के भेदभाव को मिटा करके एक बार आप शहनवाज इकबाल पर अपना विश्वास व्यक्त कीजिए। शहनवाज इकबाल उस भाई, बड़े भाई का छोटा भाई है जिसका 45 साल का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, और वह मैं कभी भी हमारे अंदर हिंदू और मुस्लिम का आपस में कोई भेदभाव नहीं रहा, जहां जब किसी भी समाज की जरूरत पड़ी मैं हमेशा एक पैर पर खड़ा रहा। एक मैं बता देना चाहता हूं, एक छोटा सा मिसाल कि एक वैश्य महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान कैंची छूट गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश को लेकर के 24 जनवरी 2011 को जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रदर्शन करता हूँ मैं, और मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि छोटे छोटे बिलखते बच्चों से आप मिलने और जो है इनको मुआवजा देने का काम करें। लेकिन लगातार 7 घंटा प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं हुआ और मुझ पर सैकड़ों लाठियां जो है जिलाधिकारी महोदय ने बरसाई। इस तरह कई प्रशासनिक केस, दो दो बार हमारा अनिश्चितकालीन जो है
भूख हड़ताल है। 2009 में केजरीवाल जैसे हॉस्पिटल में उत्तर बिहारी ने बिहार के एक प्रसिद्ध डॉक्टर का जो है सो पूरे पब्लिक मूवमेंट में घेराव हो गया। उन डॉक्टर साहब को भी मैंने उस मोब से निकालने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे दर्जनों कार्य मेरे धरना प्रदर्शन के, कई केस हमारे ऊपर सड़क जाम के हैं, बिजली पानी के लिए हाथी चौक पर मैंने 2007 में प्रदर्शन किया था, 5 दिनों तक लगातार बिजली गुम था। तो ये लगातार प्रदर्शन चलता रहा है। ये बताइए कि अभी जो जैसे खुलकर सामने आ गए पूर्व मंत्री, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और नगर विधायक भी खुलकर सामने आ गए, बयानबाजी भी चल रही है, उस पर क्या कहना? देखिए, उस पर मेरा ये कहना है कि एक पूर्व, दोनों एक पूर्व विधायक हैं, एक अभी वर्तमान में विधायक है, एक नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं और ये लगातार 1995 से दो टर्म छोड़ करके जो है 27 साल में ये लगभग 17 साल जो है यहाँ के माननीय विधायक रहे हैं और लगातार 20 सालों से इनका नगर निगम में कब्जा है और किसी न किसी रूप में इनका कब्जा बरकरार है। अगर जब आप विधायक का भी आपका 17 साल का कार्यकाल है और आप AMRDA के भी चेयरमैन रहे हैं और फिर 20 साल से लगातार आपका नगर निगम पर कब्जा है, फिर आज मुजफ्फरपुर शहर में गंदगियों का अंबार क्यों है? आज भी कई ऐसी गलियां हैं जहां आप चले जाएंगे माड़ीपुर के वार्ड नंबर 8 में तो आप देखकर दंग रह जाएंगे, लगेगा कि जैसे आजादी के पहले जो शहर हुआ करता था मुजफ्फरपुर, वैसा शहर आपका नजारा आपको वार्ड नंबर 8 के गली नंबर 2-3 में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर नाला पूरा खुला हुआ है, गलियां कच्ची हैं। खुलकर भी वोटरों को जैसे अपने प्रत्याशी के पक्ष में भी वोट मांग रहे हैं, ठीक है जी, इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी खुला मंच पे चैलेंज किए हैं, इस पर क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है कि पहले तो वो इस बात को एकदम साफ करे, जैसे मेयर में उनके एक नहीं 3-3 कैंडिडेट है, एक घोषित कैंडिडेट है और 2 अघोषित कैंडिडेट है, उसी तरीके से डिप्टी मेयर में इनके 8 कैंडिडेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बल्कि 8 कैंडिडेट हैं और घोषित कैंडिडेट कोई और है, लेकिन पर्दे के पीछे से ये 8ों को छोड़ के 9वां को वो मदद कर रहे हैं। आप पता लगा लीजिए मुजफ्फरपुर की जनता कि इनके ज्यादातर कार्यकर्ता जो है ये 8ों कैंडिडेट के अलावा 9वां कैंडिडेट के लिए अंदर से काम कर रहे हैं और जनता ये जान चुकी है कि ये जो है इनका जो ये खेल है, ये लगातार जो लोगों को बेवकूफ हमेशा से बनाते रहे हैं, सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को ठगते रहे हैं, एक इलाका में जाते हैं तो कुछ कहते हैं, दूसरे इलाके में जाते हैं तो कुछ कहते हैं, तो जनता इनको इस बार जान चुकी है और जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। मैं जनता का ये कहना है कि जब यहाँ के ऑलरेडी गद्दी पर वो हैं जो वार्ड पार्षद जीत के आता, जो मेयर जीत करके आता, जो डिप्टी मेयर जीत करके आता, ये उनको सहयोग करते और सहयोग करके जो मुजफ्फरपुर शहर की जो प्रमुख समस्या है उनका समाधान कराने का काम करते, न के किसी एक प्रत्याशी के लिए इस तरीके से खुल करके वोट मांगना, जनता से जो है हर समाज के लोगों में इनके प्रति नाराजगी है। ये थे शाहिद इकबाल मुन्ना जी, इनका दावा है कि जनता सब कुछ जान चुकी है और ये क्रूशियल टाइम में सब कुछ पता है यहाँ के वोटरों को और किसी का भी इस चुनाव में दबदबा चलने वाला नहीं है। जनता रिमोट, कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।